राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये एक इकलौता चैनल है जो आपको साइंटिफिक रीजन के साथ ज्योतिष की जानकारी देता है, ताकि आपके मन में किसी प्रकार की भी शंका ना रहे किसी भी बात को लेकर। तो आज का विषय है मंगल खाना नंबर 3, लाल किताब के अनुसार। इससे पहले एक बात कहूँगा, अगर चैनल पर आने वाली जानकारी आपको अच्छी लगती है, साइंटिफिक लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें, ताकि हर आने वाली जानकारी आपको समय पर मिले। खाना नंबर 3 का मंगल, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इंग्लिश में मार्स और हिंदी में माँ। अपनी कुंडली को सामने खोलकर बैठ जाइए, अगर इस खाना नंबर में लिखा है, साथ में कितने मर्जी अक्षर लिखे हों, जितने मर्जी लिखे हों, टेंशन मत लीजिए, सिर्फ ये 2 अक्षर पकड़ने हैं, इंग्लिश में ये और हिंदी में ये। अगर ये हैं तो आपका मंगल खाना नंबर 3 में है, और ये फल मैं आपके लिए बोलने जा रहा हूँ। ऐसे इंसान को, ऐसा इंसान वैसे तो सच्चाई पसंद होता है, ऐसे इंसान को लाल किताब कहती है। 2 तरह से वर्णन किया गया है ऐसे इंसान का, और आगे एक बहुत अच्छी व्याख्या दी गई है। ऐसे इंसान को बोला गया, अगर हिरण हुआ तो ज़िंदगी में हालात बहुत ख़राब, लेकिन अगर चीता हुआ तो शेर को मारने की ताकत रखे। इसका मतलब क्या है? हिरण बुजदिल और कमज़ोर होता है, भाग जाता है। यानी कि इसका मंगल अगर बद हुआ, नेगेटिव हुआ, ख़राब हुआ, तो ज़िंदगी में हालात बहुत ख़राब मिलेंगे, हर तरह चीज़ को तरसना पड़ेगा, भाइयों से कष्ट आएंगे। और ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए ऐसा इंसान तरस जाएगा, बहुत सुनहरी अवसर इसके आगे से होकर गुजर जाएंगे, और ये किसी के साथ भी अपना तारतम्य सामाजिक तौर पर नहीं बिठा पाएगा। ज्ञानी होते हुए भी ऐसा इंसान किसी से कम्युनिकेशन ठीक तरह से नहीं कर पाएगा, अपनी बात किसी को अच्छे तरह से नहीं समझा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका बुध कमज़ोर हो जाएगा। और अगर इसमें शेर की ताकत, यानी कि चीते की ताकत हुई, मंगल नेक हुआ, अच्छा हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो ऐसा इंसान हनुमान जी का वो रूप बन जाएगा, वो ताकत बन जाएगा, जो संजीवनी बूटे के लिए पहाड़ तक को उठा कर लाने की शक्ति रखता है। साथ में एक व्याख्या बोली गई है कि ऐसा इंसान चिड़ियाघर में फंसे हुए शेर की तरह हालात होंगे। ये कब होंगे? जब इसका मंगल खराब हो। अब है वो शेर, लेकिन चिड़ियाघर में जाकर, सर्कस में जाकर करतब दिखा रहा है, उसको मालूम ही नहीं कि वो शेर है, जंगल का राजा है, जिसकी एक धार से लोगों की पतलून गीली हो जाए। वो सामर्थ्य रखता है, लेकिन वे अपनी शक्तियों को भूल चुका है। आपने कहानी सुनी होगी कि हनुमान जी ने जब लंका पर चढ़ाई करनी थी तो हनुमान जी आनाकानी कर रहे थे, मैं नहीं जाऊंगा, तो उनको उनकी शक्तियां याद कराई गई। ऐसा ही ऐसे इंसान के साथ हाल होता है, इसको अपनी काबिलियत पर यकीन नहीं होता, ये अपनी काबिलियत को भूल चुका होता है। अब मंगल खाना नंबर 3 में अगर शुभ हालात देखने हैं ना, तो वो शहीद आज़म सरदार भगत सिंह के देखिए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उनकी कुंडली में भी मंगल खाना नंबर 3 में था। तो ऐसा इंसान किसी के आगे झुकने वाला नहीं होता, और ऐसी क्रांति लाता है समाज में कि लोग उसको बरसों बरस याद रखते हैं। ऐसी हिम्मत का मालिक होता है जो मंगल नेक हो। तो आज के समय में कोई क्रांतिकारी तो नहीं, पर ये ऐसी कार्य कर सकता है, ऐसे कार्य कर सकता है कि अपना समाज में नाम रोशन कर जाए और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे। मंगल खाना नंबर 3 का, किसी के आगे ये जल्दी झुकते नहीं, अकड़ खां होते हैं, सच्चाई के लिए नहीं झुकते, अच्छी बात है, लेकिन अपनी गलती पर ना झुकना मंगल बुरे की निशानी होगी, जो जिंदगी में आपके रुसवाइयां पैदा करेगी और तरक्की के हालातों को खराब करेगी। जब गलती हो तब झुकिए, तब शर्म मत करिए झुकने में। जितना ये नरम दिल होगा, यानी कि हर किसी से आराम से बात करने वाला, आराम से अपनी बात समझाने वाला हुआ, तो तरक्की बहुत होगी जीवन में। लेकिन अगर अकड़ खां हुआ तो बस 2 दुनी 2 का पहाड़ा ही चलेगा, जो कमाया वही खाया। इसके अलावा ऐसा इंसान अपने रिश्तेदारों और यारों दोस्तों के काम बहुत आता है, खास तौर पर भाइयों के, लेकिन भाई इसके काम आए इसकी शर्त नहीं है।
ऐसा देखने में आया है। ऐसा इंसान जंगल का वो शेर होता है, जंगल का क्या कहें, रेगिस्तान का शेर होता है, जहाँ कुछ शिकार करने के लिए नहीं है, जहाँ पीने के लिए पानी नहीं है। है शेर, लेकिन कुदरत ने इसको रेगिस्तान में फेंक दिया, जहाँ अपना राज क्या चलाएगा, अकेला बैठा है, क्योंकि शेर जंगल में हरे भरे में ही कुछ कर पाता है। तो ऐसी परिस्थितियाँ इसके जीवन में भी आती हैं। सारी काबिलियत है, लेकिन काबिलियत दिखाए कहाँ, रेगिस्तान में। जंगल में हो तो बताए मैं शेर हूँ। तो ऐसी परिस्थितियाँ कुदरत इसके साथ बनाती हैं, सारी काबिलियत होते हुए भी इसको उन हालातों में फंसा के रखती है कि अपना टैलेंट, अपने गुण ये कई बार दिखा नहीं पाता। ये जब मंगल अशुभ स्थिति में हो तब। अब मंगल अगर शुभ करना हो तो हम क्या करें? हाथी दांत से बने हुए खिलौने या हाथी दांत घर में कायम करना, रखना अच्छा होगा। कई बार आपने देखा होगा हाथी दांत धारण भी करते हैं कई लोग, तो ये पुराने उपाय कराए जाते थे। मंगल तीन वाले के लिए ये बहुत बढ़िया उपाय है। इसके अलावा चांदी का कड़ा, तांबे और सोने की कील लगवाकर अपने राइट हैंड में धारण करें। घर में जो मेहमान आए उसको सौंफ खिलाएं और मिश्री खिलाएं, इससे भी आपका मंगल नेक होगा। और कोई ऐसा मित्र आपके पास ज़रूर होगा जो आपकी काबिलियत का, आपकी शक्तियों का आपको एहसास कराएगा कि आप ये सब कर सकते हैं। तो पूरी शक्ति से उठिए और अपने शेर होने का एहसास लोगों को करा दीजिए, क्योंकि मंगल तीन वाला मैंने अभी आपको बताया कि भगत सिंह जैसी ताकत रखता है। जब अपनी आई पे आ गया तो दुनिया इसके आगे झुक जाती है, इसको सलाम करती है, और सदियों तक ऐसे इंसान को याद किया जाता है। बहुत बड़े परिवर्तन, चाहे वो व्यापारिक तौर पर हो, चाहे वो पारिवारिक तौर पर हो, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, ऐसा इंसान करके जाता है और धन दौलत के ढेर लगा देता है। तो ये है मंगल तीन। बुरी स्थितियों में मत ले जाइए, चिड़ियाघर का शेर नहीं बनना, जंगल का शेर बनना है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ ये उपाय करने के बाद और मेरी बातें सुनने के बाद आपका मंगल नेक होगा और आपको इसके शुभ परिणाम मिलेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा इसे लाइक व शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे, क्योंकि साइंटिफिक विवेचन के साथ हम बात करते हैं, ऐसे नहीं। तो राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय माता दी।